आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबल ग्लैंड के ऊपर। केबल ग्लैंड का क्या साइज होता है, केबल ग्लैंड जो है कितने प्रकार के होते हैं, एंड केबल ग्लैंड में किन किन बातों के ध्यान किया जाता है। केबल ग्लैंड एक्चुअली केबल में क्या होता है, हर एक केबल में अलग अलग कोर होते हैं, तो कोर के हिसाब से उसका साइज भी चेंज होता है। तो समटाइम ये होता है कि जो केबल ग्लैंड का साइज जो होता है वो कोर के हिसाब से चेंज होता है, और डिफरेंट रहने पे यानी इंटरव्यू में ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग सोचे इस पे हम लोग डिस्कस करना चाहिए, और इसका एक चार्ट है जो कि हर एक कोर के डिवाइड करके और हर एक कोर के बारे में बताया जाए, केबल ग्लैंड के बारे में, केबल क्लीट के बारे में, केबल क्लीट के बारे में भी हम लोग बताएंगे, केबल ग्लैंड के बारे में बताएंगे, और पूरा जानकारी देने वाले हैं केबल ग्लैंड के ऊपर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड चलते हैं वीडियो वीडियो के ओर। जैसे कि देख सकते हैं केबल कोर्स एंड केबल ग्लैंड साइज एमएम में मिलेगा, और एचडीएस लाइक जो जो डबल कंप्रेसर होता है उसमें जो होता है, एंड दिस चार्ट फॉर टाइप ऑफ केबल ग्लैंड, कितने प्रकार के केबल ग्लैंड होते हैं उस चीज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि ये जो केबल ग्लैंड का टाइप है वो थ्री टाइप का केबल ग्लैंड है, एंड फर्स्ट है बी डब्ल्यू ग्लैंड, सेकेंड सी डब्ल्यू ग्लैंड, एंड थर्ड है ई वन डब्ल्यू ग्लैंड। तो बी डब्ल्यू ग्लैंड कुछ इस प्रकार से रहता है, ये सिंपल रहेगा, लाइक ये जो जहाँ पे वाटर प्रूफिंग एरिया वगैरह नहीं है वहाँ पे डाला जाता है, लाइक ये इनसाइड का जो रहेगा ना, जो पैनल वगैरह रहेगा या जो भी लाइक जो आइसोलेटर वगैरह होगा उसमें ये यूज होता है बी डब्ल्यू ग्लैंड। कोई ये हैवी केबल में नहीं यूज होता है, बहुत कम या कोई बजट कम हो उसमें यूज किया मतलब किया जाता है। और जहाँ पे सी डब्ल्यू हो, सी डब्ल्यू एक स्ट्रॉन्ग ग्लैंड है, तो सी डब्ल्यू को जहाँ पे लाइक आउटसाइड में भी यूज करते हैं, एंड ई वन डब्ल्यू भी आउटसाइड में यूज करते हैं। और ये सभी ग्लैंड में श्राउड भी लगाया जाता है, श्राउड कुछ मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ श्राउड के ऊपर और केबल क्लीट के ऊपर भी। तो जैसे कि देख सकते हैं केबल ग्लैंड थ्री प्रकार का होता है, थ्री प्रकार कुछ इस प्रकार से लुक लाइक रहता है, और सभी ग्लैंड का जो है साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये रहा केबल ग्लैंड का जो ये चार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केबल ग्लैंड का साइज दिया हुआ है, केबल नंबर ऑफ कोर, केबल का कोर कितना रहेगा वो हम लोग बताने का ये प्रयास करेंगे, एंड यहाँ पे देंगे बी डब्ल्यू ग्लैंड का जो साइज है एमएम में, और यहाँ पे जो एक जो ये देखते होंगे अगर ग्लैंड पे जो साइज लिखा हुआ रहता है एचजीएल, जो एचजीएल साइज जो साइज रहता है वो डालेंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं सी डब्ल्यू ग्लैंड का जो एमएम में एंड एचजीएल में, देन ई वन डब्ल्यू ग्लैंड का जो साइज है वो भी हम लोग एमएम में और इसमें डालने का प्रयास करेंगे। सो जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 एमएम का जो आर्मेट केबल का जो ग्लैंड आर्मेट केबल रहता है वो आर्मेट केबल टू कोर का भी हो सकता है, थ्री कोर का भी हो सकता है, और फोर कोर का भी हो सकता है। और हर एक कोर का जो है केबल ग्लैंड का जो साइज है यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, लाइक यहाँ पे एमएम में देख सकते हैं 20S 20S 20S, इट मीन्स जो 1.5 का केबल है उसमें टू कोर से लेकर के और फोर कोर तक सभी में 20S ही ग्लैंड लगाया जाएगा। अगर एचजीएल में जाइएगा तो ये 17 का आएगा। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सभी जो ग्लैंड है उसका डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको साइज, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप बोल रहे होंगे सब 20S ही लगा हुआ है, ऑलराइट, तो 20S तो है, बट ये जो एचजीएल है ये 17 दिया है, और इधर देख सकते हैं इधर 29 करके इधर देख सकते हैं, इधर में देख सकते हैं आपको 46 करके होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये रिमेंबर होगा कि यहाँ पे तो 20S लिख ही रहा है तो सब में 20S ही लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो ग्लैंड होता है ग्लैंड में आपको एमएम नहीं लिखा हो रहेगा, तो जो ये 20 mm है वो बहुत सारा जो कंपनी है वो अपने जो टैग में एमएम नहीं डाल करके, और ये एचजीएल जो नंबर होता है एचजीएल जो है वो नंबर डालता है वो कितना नंबर का है इसलिए। ओके, सो सेकेंड देखेंगे 2.5 का टू कोर, थ्री कोर, फोर कोर, सब में 20S ही लगेगा, तो इसमें भी देख सकते हैं सब 17 17 है, तो ये तो सेम ही है 1.5 एंड 2.5 में 20S 20S, 4 mm में जो टू कोर रहेगा उसमें 20S, थ्री कोर रहेगा उसमें 20S, फोर कोर रहेगा उसमें 20, इसमें एस नहीं है। ओके ऑलराइट, तो एस अलग होता है, एंड यानी एस हुआ 20 स्मॉल करके, एक आता है 20, इसमें एस वगैरह नहीं होता है, वो 20 होता है। तो कुछ इस प्रकार से है, सब में डिफरेंट हो गया होगा, तो 4 mm में 20 तक आ गया, 6 mm में 20 20 20, इसमें 18 करके आ रहा है, जो एचजीएल नंबर है इसमें 18 आ रहा है। तो अभी तक ये भी आप देख सकते हैं, ये केबल क्लीड है ये आपको 16 mm केबल तक नहीं आ रहा है,
अगर जितना एमएम से ऊपर का अगर केबल क्लीट आ रहा है उस यहाँ पे शो करेगा। ऑलराइट, तो जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट है 10 mm, 10 mm केबल का जो है 2 कोर 3 कोर 4 कोर, इसमें 25 mm का लग रहा है, 25 mm का जो ये केबल ग्लैंड है वो आएगा। एंड HGL में आएगा 19 करके, ये BW का, CW का देख सकते हैं 25S एंड 25, इसमें 31 आएगा HGL में। एंड जैसे कि देख सकते हैं E1W में 25S 25S एंड 25। ओके, सो इसमें अगर जाइएगा HGL में जाइएगा तो HGL इसका मिलेगा 48 48 49 49, ये इसलिए आ रहा है जिसमें 25 है उसमें 20, जिसमें 25 है उसमें 49 आ रहा है। एंड कुछ इस प्रकार से ये किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये कमेंट कीजिए एंड वहाँ से आपको हम लोग PDF प्रोवाइड करने का काम करेंगे। वहाँ से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में डालने का भी काम करेंगे, तो ये PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं 16 mm का जो है 2 कोर 3 कोर 4 कोर, इसमें 25 25 करके आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं दूसरा 25 mm भी 25 का जो केबल है उसमें भी 25 mm, 32 32 25 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 कोर है। ऑलराइट, अगर 25 का 2 कोर रहेगा केबल तो उसमें 25 का ही ग्लैंड आएगा, अगर 3 कोर रहेगा तो 32 एंड 4 कोर रहेगा तो 32 का जो ये ग्लैंड है वो एमएम में यूज किया जाएगा, वो भी BW। अगर CW में जाइएगा तो CW में भी डिफरेंट है, लाइक 32 करके है। तो ये हर एक जो ग्लैंड है BW CW एंड E1W, इसमें जो साइज का है वो डिपेंड हो जाता है, और प्लस में ये जो केबल जो कोर है, जो नंबर ऑफ कोर है, केबल नंबर ऑफ कोर, उसका भी ये होता है, वो जितना कोर का लीजिएगा उसके हिसाब से इसका केबल का साइज भी चेंज होते जाता है। जैसे कि देख सकते हैं 35 mm का केबल में 2 कोर 3 कोर 4 कोर, इसमें 32 का यूज किया गया है, यहाँ भी 32 का यूज किया गया है, इधर भी 32 का यूज किया गया है, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है। 35 का केबल में सब जगह 32 का ही लगाया गया है, BW CW एंड E1W तीनों में। ऑलराइट, तो फिर देख सकते हैं 50 mm का केबल में, 50 mm के केबल में 2 कोर 3 कोर 4 कोर सब में एक ही सेम लगा हुआ है, 32 32 करके लगा हुआ है, इसमें HGL में 20 कर दिया गया है, इसमें 33 करके कर दिया गया है, सॉरी इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है एमएम में, एंड इसमें भी 32 है। सो नेक्स्ट देख सकते हैं 70 mm का केबल में 2 कोर 3 कोर 4 कोर में 32 32 40 32 32 40 32 32 40, यानी जो एमएम में जाइएगा तो तीनों का भी सेम आ रहा है, BW CW और E1W। ऑलराइट, दूसरा देखते हैं 95 95 में जो है 2 कोर 3 कोर 4 कोर, इसमें आ रहा है 32 का, 2 कोर में 32, 3 कोर में 40 एंड 4 कोर में 50S। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार से ये किया गया है। एंड जैसे कि देख सकते हैं 120 120 में 2 कोर 3 कोर 4 कोर, 2 कोर में 40 का लग रहा है, 3 कोर में 50S लग रहा है, 4 कोर में 50 लग रहा है। तो ये BW का हो गया। CW के अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 है, 50S है एंड ये 50 है। एंड जैसे कि हम अभी ये देखने का प्रयास कर रहे हैं 150 का जो केबल है उसमें 2 कोर 3 कोर 4 कोर, 2 कोर में 40 लग रहा है, 3 कोर में 50S लग रहा है एंड 4 कोर में 50 लग रहा है। तो सेम हर एक में अगर आप MM में देखने का प्रयास करते हो तो इसका जो HGL होता है उसका डिपेंड होता है BW CW एंड E1W का, बट MM देखेगा तो सेम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लाइक 40 50S 50 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं तीनों में जो MM है MM में सेम ही रहता है, लेकिन आप जो ये इसमें अगर केबल क्लीट के अगर देखने का प्रयास करते हैं तो इसमें 11 का लग रहा है, 2 कोर में 11 का, 3 कोर है इसमें 35 का केबल क्लीट एंड 4 कोर है उसमें 37 का। ऑलराइट, से नेक्स्ट देख सकते हैं 185 का जो केबल है, 185 का 2 कोर में 50S, 3 कोर में 50 एंड 4 कोर में लग रहा है 63S। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट ये जो MM है BW CW और E1W, जैसे कि मैंने बताया इसका MM तीनों का सेम जाएगा, बट जो इसका HGL नंबर है वो चेंज होते जाएगा। और आपको मोस्टली जो जो केबल ग्लैंड का जो ये रहेगा, लाइक जो पैकेट रहेगा, उसमें आपको नंबर मिलेगा देखने को, HGL नंबर ज़्यादातर देखने को मिलेगा, MM बहुत कम कंपनी जो है वो प्रोवाइड करता है उसमें जो मार्किंग करके। देन आप देख सकते हैं 240 का केबल है, 240 का केबल है, उसमें 2 कोर 3 कोर 4 कोर, इसमें भी लग रहा है 50 63 S एंड 63, तो कुछ इस प्रकार से लगाया गया है, यानी 50 का 63 S 63, और इसका जो तीनों में सेम ही देखिएगा, लाइक जो MM में होगा जैसे कि आपको बताया।
और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहिए तो ये हम लोग को ये डिस्क्रिप्शन में इसका ये कुछ डालेंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये 300 को देख सकते हैं, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो 2 कोर में 63S, 3 कोर में 63 एंड 4 कोर में 75S। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देख सकते हैं, 400 में 2 कोर, 3 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, यानी 400 का केबल है एंड 4 कोर तक दिए हुए हैं। तो इसमें देख सकते हैं 20, जो इसका जो एमएम में जाएगा तो 75S, 75S एंड 75। ऑलराइट, इसका जो आप अगर आप देख सकते हैं बीडब्ल्यू सीडब्ल्यू में, तो सब में सेम ही होगा, बट इसका जो एसजीएल नंबर है वो ओनली चेंज होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं 500 का केबल 4 कोर में, 500 का केबल 4 कोर में 75 का लग रहा है, ये 27, 90, यानी ये 90, और इसका जो केबल क्लीड है वो 38 लगेगा। ऑलराइट, तो 630 का केबल जो अगर आप देखने का प्रेस करेंगे तो उसमें सिंगल कोर का आएगा। जो 630 का केबल होता है ओनली सिंगल कोर का आता है, और उसका जो ये केबल ग्रांड है वो ओनली 50 का आएगा। एंड ये इसका अगर एचडीएल में जाएगा तो 23 आएगा, और इसका जो केबल क्लीड है वो 36 करके आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग 1.5 से लेकर के और 630 तक हम लोग केबल ग्रांड और केबल क्लीड के बारे में बताया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, और अगर आप ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड ज़रूर अपने फ्रेंड को ये शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।